अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ फैज़ान एंड यू आर वाचिंग फेज़ इन जापान टीवी। सो आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं अभी इस वक्त जो हूँ 100 येन शॉप के बाहर खड़ा हुआ हूँ, जिसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में अगर आप जापान में रहते हैं। और ये जापान की सबसे सस्ती तरीन दुकान है ना, जिसको हम कहते हैं 100 येन शॉप, दिस इज़ 100 येन। और इस कॉइन में आप उस शॉप में से कोई सी भी एक चीज़ ले सकते हैं। और इस शॉप के अंदर आपको सेलफोन एसेसरीज़, कंप्यूटर एसेसरीज़, रिंग और किचन की लिक्विड और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नोटबुक, पेंसिल, कटर और बैटरीज, काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो कि बहुत ही सस्ते में हैं जापान के हिसाब से ना, सिर्फ 1 कॉइन शॉप। तो मैं सोच रहा था कि आपको इस शॉप के बारे में बताऊं और आपको दिखाऊं कि इस शॉप का रोल क्या है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप यहाँ जापान में आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जानना कि आपको सस्ती चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। तो लेट्स गो, आई विल शो यू इनसाइड व्हाट इज़ इन देयर। तो बाहर से ये शॉप जो है कुछ इस तरह से दिखती है कि इस पे लिखा हुआ भी है 100 येन शॉप, जिसको जैपनीज में कहते हैं 100 येन शॉप। जैपनीज में येन को एन कहते हैं, ठीक है। और ये कुछ बाहर का व्यू है इस तरह का, बराबर में रेस्टोरेंट है और ये रोड चल रहा है, ठीक है। वेदर इज़ वेरी क्लाउडी, इज़ रेनी। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैं शॉप के अंदर आ चुका हूँ और स्टार्ट होते ही टॉयस, कुछ किड्स के लिए जो है वो टॉयस से शुरुआत की गई है, ठीक है। इसमें कोई सा भी एक आइटम जो भी आपको इस शॉप में नज़र आ रहा है वो एवरी सिंगल आइटम इस 100 येन। तो चलें देखते हैं इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। आगे फाइल्स और नोटबुक्स आ गई हैं, ठीक है। नीचे जो है वो भी सेम है, इस तरफ अगर देखें तो बैग्स आ गए, शॉपिंग बैग्स, ये आ गए स्टिकर, ये आ गए नोटबुक्स, ये नोटबुक्स आ गई हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं इस वीडियो में पूरी शॉप को कवर नहीं कर पाऊँगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आपको दिखाता हुआ जाता हूँ। स्क्वाश टेप और ये रोप, बास्केट्स और कुछ इस तरह से यहाँ पे भी चीजें हैं, गार्बेज बॉक्स, फ्लावर्स, ग्लव्स, और यहाँ पे भी कुछ किचन की और टॉयलेट में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। ये है टॉयलेट क्लीनर, ये आ गई डस्टबिन, ये आ गए किचन के लिक्विड, शैम्पू, ये सब चीज़ें जो हैं कोई सी भी इसमें से एक चीज़ जो है वो 100 येन की है, सिर्फ 100 येन। 100 येन अगर आप कन्वर्ट करते हैं, अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 130 रुपीज़। यहाँ पे स्पून्स आ गए, यहाँ ग्लास आ गए, मग्स आ गए, ये किचन के लिए आ गए, नाइफ आ गई, एवरीथिंग इज़ मेड इन चाइना, ठीक है। अब आप इसमें से आपको पता होगा कि अगर आप इस शॉप में आते हैं तो क्या चीज़ आपको उस वक्त चाहिए। ये आ गए किचन होल्डर्स, ये आ गए सन रेप, यहाँ पे आ गए कुछ जैपनीज नूडल्स, आई मीन फूड। इसमें तो मैंने कभी कुछ ऐसी चीज़ ट्राई नहीं की है तो मुझे पता नहीं है क्या चीज़ कैसी है, पर नॉर्मली नूडल्स है ना,
यहाँ पे सॉसेस आ गए, सोए सॉसेस। यहाँ पे लंच बॉक्सेस आ गए। ये आ गई स्लीपर्स। ये कुछ स्टफ आ गया गर्ल्स के साथ से, हेयर ब्रश और हेयर बैंड, हेयर क्लिप, क्लिपर और कुछ इस तरह से हेयर पिन, कॉइन बैग और अदर साइड ऑल्सो आईलाइनर और मेरे ख्याल से नेल पॉलिश, तो मुझे भी नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ब्रश आ गया, फेस ब्रश आ गया, आई लैशेस सिर्फ 100 yen में, जो कि जापान की सबसे सस्ते तरीन शॉप है, 100 yen शॉप। अच्छा, यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गई हैं, वाटर आ गया है आपको, मतलब कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही है यहाँ पे ना 100 yen में। ये कॉफ़ी आ गई हैं मुख्तलिफ किस्म की, और ये ग्रीन टी आ गई है, साइडर, पेप्सी, नॉर्मल वाटर, और ये यहाँ पे आ गया जंक फूड्स। तो ये स्टोर कुछ इस तरह का है, जो कि मुझे नहीं लगता कि मैंने ठीक तरीके से दिखा पाया, लेकिन कुछ इस तरह की इसमें चीज़ें हैं जो कि सिर्फ 100 yen में आपको मिल रही है। ये यहाँ पे आ गए वेट टिश्यूज, मास्क, और ये आ गए वॉटर डंपल हैं, मतलब आप इसमें पानी भर के, मेरे ख्याल से इसके अंदर कितनी लिमिट कुछ पता नहीं है, आप अपने घर पे डंबल इसको बना सकते हैं ना, जो कि प्लास्टिक का है। ये है फूट मसाजर, मतलब आप इसको कहीं पे भी रख के इसके ऊपर खड़े हो तो मतलब रिलैक्सेशन के लिए जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये टॉवल आ गए छोटे छोटे किचन टॉवल, फोटो फ्रेम, और ये आ गई वॉल क्लॉक जिसमें बैटरी नहीं होगी, बैटरी भी यहाँ पे आपको लेना पड़ेगी 100 yen में। और ये रिस्ट वॉच आ गई 100 yen में, कुछ इसी तरह की मिल सकती है, ठीक है ना, मतलब चीज़ें इतनी हैं कि बताना भी मुश्किल है और बता भी नहीं पा रहा कि अभी कुछ बताया भी नहीं है। ये आ गई कुछ सेलफोन के हिसाब से, मेरे ख्याल से कि काम के हिसाब से हैं, मतलब कि आप किसी जगह पे काम करते हैं तो नाइफ कटर आ गया, ये सीजर आ गया, और ये आरी आ गई कटर, और ये टूल आ गए स्ट्रूपाना, ठीक है। यहाँ पे कार वॉश के हिसाब से जो हैं वो सेलफोन होल्डर, एस्ट्रे, ये एस्ट्रे, ठीक है, कुछ इस तरह के हिसाब से आ गई चीज़ें जो कि लॉक वगैरह हैं।
यहाँ पे वो स्टिकर हैं, अगर आप अपनी कार पे अगर यहाँ पे मतलब जापान में चलाते हैं तो उसमें जो है आपको स्टिकर अगर पीछे लगा देते हैं तो ये पेशेंट का स्टिकर हो गया, ये ओल्ड सिटीजन का हो गया और ये लर्नर का हो गया, कुछ इस तरह के हैं जो यहाँ पे सेल आउट करते हैं। अच्छा ये यहाँ जो है वो हैंड फ्रीस आ गई हैं, डेटा केबल आ गई हैं और चार्जर हैं, कार होल्डर हैं, कार चार्जर हैं, की चेन है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेल फ़ोन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ सकता है, मतलब एक बूफर की तरह का काम करता है। ये आ गई टॉर्च लाइट्स, बल्ब आ गए जिसमें लाइट आ गई, एलईडी लाइट आ गई है, सारी ट्यूब लाइट्स आ गई हैं। तो ये थी वो जापान की सबसे सस्ते तरीन शॉप जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि 100 yen शॉप है, जिसको मैंने आपको पूरा दिखाने की कोशिश करी है लेकिन ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सका। पर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मालूमात की नहीं अच्छी थी तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। आपका अपना दोस्त फैज़ान, अल्लाह हाफिज़।